वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। आओ आओ दोस्तों, के मना छो सब मजा मा। अच्छा तो चलो अपनी कथा देखते हैं। तो हाँ दोस्तों, अपन PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे गप्पे लड़ा रहे थे। तो चलो आज अपन देखते हैं PDS की कुछ खामियां यानी कि बैड साइड ऑफ PDS। तो फर्स्ट, FCI की ग्रैनरीज में अनाज खचा खच भरा पड़ा रहता है, और इसके बावजूद ना बहुत सारे लोगों को डेली भूखे पेट सोना पड़ता है। सेकंड, FCI के गोदामों में ना उनकी कैपेसिटी से इतना ज्यादा स्टॉक भर रखा है कि कुछ तो सड़ जाता है और कुछ तो यार चूहे भी खा जाते हैं। तो यार इस तरह से बहुत सारा अनाज वेस्ट हो जाता है, जिससे कि बहुत सारे गरीब लोगों का पेट भरा जा सकता था। थर्ड, FCI को बफर स्टॉक के नॉर्म से जितना फूड ग्रेन्स की जरूरत होती थी ना, FCI के गोदामों में हमेशा ही उससे बहुत ज्यादा स्टॉक पड़ा रहता था। और ऐसा तुम इस चित्र में भी देख सकते हो कि जब जरूरत थी 21.4 मिलियन टन की, तब इनके गोदामों में 34.3 मिलियन स्टॉक पड़ा हुआ था, एंड जब 41.12 मिलियन टन की जरूरत थी तब 54 मिलियन टन स्टॉक गोदामों में भरा हुआ था। तो यार ये तो अच्छी बात नहीं है। फोर्थ, अब इतना सारा स्टॉक जो जरूरत से ज्यादा स्टॉक किया जाता है, ये यार फ्री में तो आ नहीं जाता है, इसके पैसे लगते हैं। और यार इन बागड़ बिल्लों को कौन समझाए कि ये है पैसे का वेस्टेज। फिफ्थ, फार्मर्स MSP ज्यादा होने के कारण सिर्फ वीट एंड राइस उगाता है, जिससे कि उसको ज्यादा पैसे मिल सके, और इससे बाकी के फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम हो गया। सिक्स्थ, राइस की खेती करने में यारों अधाधुंध पानी लगता है, जिस वजह से वाटर टेबल डिप्लीट हो रही है और इन्वायरमेंट भी डिग्रेड हो रहा है। अब यार तुम्हारे दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि जब राशन शॉप्स में अनाज मिल रहा है, तो यार ये घर वाले बगल की परचून की शॉप से सामान क्यों ले आते हैं। तो यार ये PDS वाले दुकानदार भी ना बहुत बदमाश होते हैं। ये अच्छा अच्छा अनाज तो मार्केट में इश्यू प्राइस से ज्यादा दाम में बेच देते हैं, और सड़ा हुआ पुअर क्वालिटी का सामान पब्लिक को थमा देते हैं। ऊपर से ये दुकान भी ना कभी कभार ही खोलते हैं। तो इसको बोलते हैं सिस्टम की इनइफेक्टिवनेस। तो दोस्तों, जब भी PDS की डीमेरिट्स पे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो यार कोई भी 5-6 पॉइंट्स छाप के चले आना, मैडम भी ना खुश हो जाएंगी कि लौंडा तो ज्ञानी है। तो चलो फाइनली अपन लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, रोल्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन फूड सिक्योरिटी। तो यार ये कोऑपरेटिव सोसाइटी भी ना देश के सदर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में फूड सिक्योरिटी के लिए अच्छा खासा रोल प्ले कर रही हैं। तो चलो अब इनका रोल प्ले देखते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट यार, तमिलनाडु में टोटल 94% ऑफ फेयर प्राइस शॉप को कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑपरेट करती हैं, और इससे तमिलनाडु का PDS में प्रदर्शन भी बहुत ही अच्छा हुआ है। सेकेंड, मदर डेयरी, ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि दिल्ली में लो प्राइस पे दूध एंड वेजिटेबल्स बेचती है, और ये प्राइस दिल्ली की गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल करा जाता है। थर्ड, गुजरात की अमूल, ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसने कि गुजरात से शुरू किया, और अब तो यार पूरा इंडिया अमूल दूध पीता है। तो ये देश में व्हाइट रेवोल्यूशन लेके आए। फोर्थ, महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने NGO के नेटवर्क साथ मिलके कुछ रीजन्स में ग्रेन बैंक सेटअप करे, और उन लोगों को फूड सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रेनिंग भी दी, और फिर धीरे धीरे उन्होंने ये काम पूरे महाराष्ट्र में किया। तो यारो फाइनली
फाइनली कैन यू स्मेल दैट द इकोनॉमिक्स इज ओवर, ये। तो इतनी इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद यार तुम कहीं अपने आप को निर्मला सीतारमण मत समझने लगना, अरे अरे फाइनेंस मिनिस्टर। तो यार अब तो 9वीं की क्लास खत्म हो रही है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, पेपर बिल्कुल फाड़ के आना। और मेरा मॉरल यही है यार कि फूड सिक्योरिटी कितनी भी हो जाए ना, ज्यादा मत खाते रहना कि पूरा दिन कमोड पे बैठ के ऊट पटांग हरकतें करते रहो, इससे भी तो फूड वेस्ट ही होगा ना। चलो चलो फिर मिलते हैं 10वीं क्लास में, बाय बाय।